बिजनौर से जहां पर BAMS के छात्रों ने कॉलेज में किया हंगामा। BAMS के छात्रों के द्वारा कॉलेज में हंगामा किया गया। छात्र छात्राओं ने कॉलेज में जमकर किया हंगामा। लगातार आ रही छात्रों की बैक, जिसके बाद अब ये हंगामा किया गया है छात्र छात्राओं के द्वारा। बैक पेपर कराने के नाम पर अवैध वसूली का भी इन छात्रों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा, जहां पर BAMS के छात्रों के द्वारा अब ये कॉलेज के बाहर हंगामा किया जा रहा। तो आप बता दें कि लगातार छात्रों की बैक आ रही है और बैक के पेपर को लेकर वसूली की बात कही जा रही है, जिसको लेकर अब ये बच्चों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर हंगामा किया जा रहा। तो आपको बता दें कि इस पर हमारे साथ संवाददाता ज़हीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज़हीर, जो मामला सामने आया है, जहां पर कहा जा रहा है कि बच्चों की लगातार बैक लग रही है और इसको लेकर वसूली भी की जा रही है, इसको लेकर बच्चों के द्वारा धरना दिया जा रहा, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दें, बिजनौर के विवेक कॉलेज का मामला है, जहां पर आज दर्जनों की तादाद में BAMS के सेकंड और थर्ड ईयर के छात्र धरने पर बैठ गए हैं। छात्र छात्राओं का कहना है कि लगातार उनकी बैक आ रही है, जिस पेपर को वो देकर के आ रहे हैं, किसी किसी पेपर में जीरो भी आ रही है। तो उन्होंने आज कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए वहां जमकर हंगामा किया कि आज बैक के नाम पर वसूली की जा रही है। साथ ही घंटों चले धरने प्रदर्शन के बाद कॉलेज के MD और पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र छात्राओं को समझाने बुझाने में जुट गई है। MD से हमारी जब बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कॉलेज पास कराने की गारंटी नहीं ले सकता है, पेपर देने की जिम्मेदारी छात्र छात्राओं की है। साथ ही छात्र छात्राओं ने जो फैकल्टी है उसके ऊपर भी कई तरीके के आरोप लगाए। जी, तो क्या इसको लेकर जहां पर ये बात कही जा रही है, तो क्या आगे छात्राओं के द्वारा इस पर कोई बात सामने ना आने पर आगे भी धरना प्रदर्शन जारी रहने की बात कही गई है? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो है कॉलेज प्रबंधन और छात्र छात्राओं में और पुलिस मौके पर मौजूद है, वार्ता चल रही है, लेकिन छात्र छात्राएं इस बात पे अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम कुछ तो लिख करके आए हैं, जीरो नंबर कैसे आ गया, इसमें कहीं ना कहीं जो है कॉलेज की जो इसमें कमी और जरूर बता रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कॉलेज प्रबंधन को इसमें आगे आना पड़ेगा और इसमें उनके जो पेपर में उनको फेल किया गया है उसमें पास कराने की जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन को लेनी पड़ेगी। जी जी ये अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद ज़हीर। तो आपको बता दें कि बिजनौर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर BAMS के छात्रों के द्वारा कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर उनके द्वारा बैक पेपर को लेकर अवैध वसूली की बात कही जा रही है।